मैं राउरकेला से आई हूँ, मेरे बच्चे का काउंसलिंग था, हम लोग काउंसलिंग के लिए आए थे, तो इच्छा हुआ कि चलो थोड़ा पूरी का दर्शन कर लेंगे, रथ यात्रा में तो आ नहीं सके, राखी जो साथ में और अभी राखी भी है, जगन्नाथ जी को अपना अर्जी भी दे के आएंगे और राखी बांध के आएंगे, इसीलिए हम लोग राखी ले के आए। मतलब जो राखी की जो चिंता है, मतलब क्यों ये चिंता आई? चिंता तो पहले से भी था, मगर पर्टिकुलर हम लोग राखी के समय ही आ रहे हैं और जगन्नाथ जी के पास अर्जी भी करना है, कम से कम जगन्नाथ जी खुश हो जाए, कुछ तो अर्जी कर दे मेरा, बस इसी खुशी से ले के आए। जगन्नाथ जी को भाई मानते हैं? हाँ, सब कुछ मानते हैं। हाँ, अभी मेरा हम लोग का गार्जियन वही है, जो होता है भगवान का ही नाम लेते हैं। कितना समय लगा राखी बनाने के लिए? नहीं नहीं, समय तो नहीं लगा ज़्यादा, हाफ एंड आवर में हो गया। किससे बनाया गया वो राखी? राखी वो मेरे को बताया, मेरे को लेस चाहिए, मेरे को पेपर चाहिए, मेरा एक छोटा सा पार्लर है, और वो जो बोला मैं ला के दे दी उसे, वो खुद बनाया। आपकी आँखों में भी आंसू आ जा रहा है ये बात? हाँ, मैं अभी बच्चों के लिए ही आई हूँ, मेरे बच्चे लोग का लाइनअप नहीं हुआ है, मैं भगवान के सामने आई हूँ अर्जी देने कि मेरा अर्जी सुन ले, बस मेरी यही कामना है। मेरा नाम है शुभम कुमार, हम राउरकेला के सेक्टर 16 से आए हैं और हम जगन्नाथ जी के प्रेम में हम डूबकर हम जगन्नाथ जी के लिए हम ये दो बड़े से हमने राखी हम उनके लिए प्रस्तुत किए हैं, और बहुत ही मन था हमारा पूरी आने का। मैं जब बच्चा था, छोटा था, मैं जब क्लास 2 में था, मैं तब आया था, तो भगवान से मैंने तभी मैंने बोला था कि भगवान मैं जब वापस आऊँ तो मैं आपके लिए कुछ एक चीज़ मैं आपके लिए लेके आऊँ, तो भगवान ने मेरी ये बात अच्छे से स्वीकार की है। मैं आया था भुवनेश्वर के लिए, भुवनेश्वर में मेरे कॉलेज का काउंसलिंग था, तो काउंसलिंग के लिए उधर से हम लोग को आना ही था, तो हमारे लाइन के लोग हमें बोले कि भैया आप तो भुवनेश्वर जा ही रहे हो, आप पूरी भी जाइए, पूरी में आप भगवान जी को आप दो राखी भी आप चढ़ाइए, भगवान आपके सारे मनोकामना पूरे करेंगे। तो हमने यही भक्तिपूर्ण भाव से हम उनके लिए ये दो राखी लेके आए हैं। वैसे तो हमारे घर में भी श्री जगन्नाथ जी का चतुर्धा विग्रह हमारे घर में प्रतिष्ठित है, हमारे घर में भी उनका दिन भर का सारा पूजा पाठ नीति नियम सारे होते हैं, तो हमारे घर में भी राखी होते हैं। तो इस बार एक अलग ही एक खुशी का माहौल हमने बनाया कि हम बोले कि हम ठाकुर जी को हमने कभी भी इतने बड़े राखी हमने प्रस्तुत नहीं किए उनके लिए, तो इस साल चलिए हम उनके लिए ठाकुर जी के लिए हम राखी प्रस्तुत करते हैं। तो आज इसी भाव भक्तिभाव पूर्ण से हम उनके लिए ये दो राखी बना कर लाए हैं। उड़िया में लिखा हुआ है कि मो भाई। हाँ, क्योंकि उड़िया में इसलिए लिखे है क्योंकि हमारे जो जगन्नाथ भगवान हैं ये हमारे उत्कल के जो हैं हमारे प्रधान देवता हैं। उत्कल की भाषा होती है बहुत ही बड़ी और बहुत ही सुनहरा, इसमें सारा उनका जितना भी सारा ट्रेडिशन है ये बहुत महान है। ओडिया जैसा लैंग्वेज कहीं नहीं होगा, ओडिया ही हमारी ओडिशा की मातृभाषा है, तो ये राखी हमारे मातृ देवता के लिए, प्रधान देवता के लिए, तो ये ओडिया में क्यों नहीं हो। काउंसलिंग के लिए हम लोग आए थे भुवनेश्वर, तो हमें काउंसलिंग पे हमें सीट तो नहीं मिला, तो हम भगवान से हम यही प्रार्थना करने के लिए हम ये राखी लाए कि भगवान हमें इतनी बस कृपा दे दे कि बस हमें एक गवर्नमेंट सीट दे दे, और गवर्नमेंट सीट बस एक सीट दे दे, बाकी सारे की जितनी सारी कष्ट है सब वो हम उठा लेंगे, बस वो एक कृपा कर दे और सब चीज़ हम कर लेंगे, बस उनका साथ होना तो वो हमारे लिए बहुत काफ़ी है। मैं क्लास 12 अभी जस्ट पास किया था, क्लास 12 के बाद मैं फ्रेशर हूँ, मैं सारे एंट्रेंस एग्जाम सारे दिया था, मैं काउंसलिंग के लिए भी क्वालिफाई किया था, बट काउंसलिंग पे आने के बाद मुझे सीट के लिए बस 5 सीट से मैं रह गया, तो बस भगवान से इतनी कृपा है कि अगले साल मैं वापस तो वैसे ही परिश्रम करके आऊँ और मुझे अगले साल बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट सीट मुझे मिल जाए। आगे हम कोई पर ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ମୁଁ ଆଣିଛି ଦି ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ରାକ୍ଷୀ ଆଣିଛି। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୋର କାଉନସେଲିଂ ସବୁ ଥିଲା, କାଉନସେଲିଂ ସବୁ ସାରିକି ଆମେ ଆମ ଲାଇନ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ କି ଭାଇ ତମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ଯାଉଛ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦୟାରେ ତମକୁ ସିଟ୍ ମିଳିବ ବି ଆଉ ନ ବି ମିଳିବ, କିଛି ସେଇଠି ଯଦି ନ ମିଳିଲା ତେବେ ବି କିଛି ଦୁଃଖ ମନେଇବାର ନାହିଁ। ତ ସେମାନେ କହିଲେ କି ଭାଇ ତମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କି ଯାଉଛ,
आउ बस खाली अल्प बाटर ठाकुर अच्छा तुम ठाकुर भी जाओ दीटा राखी तुम भी करके नहीं कि जाओ ठाकुर तुम सब मनोकामना से पूरण करेंगे से दीटा राखी मुझे उद्देश्य मुझे सब प्रस्तुत करके आनी खाली मु ही नुह आम लाइन रे समस्त लोक ये अल्प टिके सहयोग भी ठाकुर बहुत बड़ था ठाकुर हूँ भाव विनोदिया से होती दुख हरवापाई से ना हूँ हरी ये दुख हरी से मुझे दुख हारण मुझे यहाँ आनी दीटा राखी मुझे स्पेशली मुझे प्रस्तुत करके आनी एटा आमे राखी करीछु आमे स्टूडेंट फ्रेंडली सब राखी आमे बनेछु एटी राखी रे सब प्रस्तुत हेछि कार्डबोर्ड प्रस्तुत कार्डबोर्ड लागीछि सोलो लागीछि आउ कहीं तो अठा लागीछि जरी सब लागीछि लेस सब लागीछि एटी सब सोलो सब अछि जरी काम सब हेछि आउ ए सब देखि आमे राखी प्रस्तुत करछु एटा आमे प्राय दि दिन धरिके आमे बनौतिलु आउ सब आमे गोटे मतलब दिने आमे सब शॉपिंग करिके सब आनिलु आउ ता पर दिन आमे सब एकाठी हेके आमे समस्त मिली मिसिके आमे बनैछु निष्ठा आमर थिला कि मतलब आमे सकाळु सब आमे गाधेकी आमे समस्त गाधेकी सब पूजा पाठ सब सारिकी से दिन आमे व्रत करथिलु तापर आमे राखी सब करिला परे आमे अरुआ डालमा सब नेकी आमे आम व्रत भांगिलु आ व्रत सरिला परे आमर एटा राखी पूर्ण भाव रे आमर प्रस्तुत हेतिला जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगिला तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।